बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, वेलकम बैक। सो अब हम स्टार्ट करें वैक्सीस। नाउ बैक टू द कंटिन्यूशन ऑफ आवर केस, जो हमने डिस्कस कर रहे थे कि जैसे एक पेशेंट अगर आया तो उसका हमारे पास इंप्रेशन हो गया, वी आर डन विद डिप्रेशन, वी आर डन विद मॉडल पोरिंग एंड बेस फॉर्मिंग। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप बनाना है उस मॉडल के ऊपर हमने बेस प्लेट बनानी है। वो बेस प्लेट बच्चों हम सेल्फ केयर की भी बना सकते हैं और हम वैक्सीन भी बना सकते हैं। फिलहाल सेल्फ केयर को जो है वो हम हीट केयर के साथ डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन के चैप्टर में। यहाँ पे वैक्स या तो बेस प्लेट बनानी है या अगर हम आगे ऑक्लूजन बनाएंगे तो अल्टीमेटली हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वैक्सेस। वैक्सेस बच्चों ये हमारे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑस्पी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी लैब में जो है आपको डिफरेंट टाइप्स के वैक्सेस जो है वो दिखाए जाते हैं, फिर ऑस्पी में जो है वो वही आपके सामने रख दी जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ऑस्पी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एमसीक्यूज भी इस चैप्टर में से आते हैं। सबसे पहले तो आपको वैक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। उसके अलावा उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक हमारे पास वाइवा का क्वेश्चन होता है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है। तो बच्चों सिंपल लॉस्ट वैक्स टेक्निक से वही होती है कि जो फ्लास्किंग के दौरान जो आप ऑक्लूजल रिम को जो है वो हीट कर रहे होते ताकि सारी वैक्स जो रिमूव हो जाए या बेस प्लेट वहाँ से रिमूव हो जाए और उसकी जगह आके हमारे पास हीट की ओर ले लें, तो बस वही हमारे पास जो है वो क्या होती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है। यहाँ पे हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल कंपोनेंट होता है, एनिमल कंपोनेंट होता है और वेजिटेबल कंपोनेंट होता है। इन सबकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये बातें जो है वो एमसीक्यूज़ में कभी कभार हमारे पास पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल वैक्सेस में बच्चों आपको जो है पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास कुछ टाइप्स की वैक्सेस होती हैं, कुछ बहुत हार्ड होती हैं, कुछ जो है सॉफ्ट होती हैं, कुछ जल्दी हमारे पास जो है वो हीट करने से जो है वो मेल्ट हो जाती हैं, कुछ काफ़ी टाइम लगाती हैं। तो वो जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि वो कितना मिनरल कितना एनिमल कंपोनेंट उस वैक्स में डाल रहा है, तो उस वैक्स की कंपोजिशन क्या हो रही है। उसके अलावा आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हमारे पास हम जो वैक्स को हीट करते हैं वो कौन कौन से मेथड से करते हैं, कि हम वाटर बाथ यूज़ कर सकते हैं या इंफ्रारेड लैम्प या हम बंजन बर्नर ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास एमसीक्यूज़ का जो है वो क्वेश्चन आता है वो याद है, द मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग यूज इन स्टरलाइजेशन टेस्टिंग ऑफ वैक्सेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ 250 वॉट इंफ्रारेड लैम्प। ठीक है, तो इस जो है वो लाइन को आप मार्क कर लें एज एन एमसीक्यूज। इसमें आपसे कभी 250 वॉट पूछा होगा या इंफ्रारेड लैम्प, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो वो इस लाइन से बीसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, तो एक और एमसीक्यू जो हमारे पास आता है वो यहाँ से आता है, वैक्स एनीलर के नाम से, द आइडियल मेथड ऑफ फॉर सॉफ्टनिंग वैक्स इस वैक्स एनीलर। ये तो बच्चों आपको पास पेपर में बहुत ज़्यादा जो है वो एमसीक्यू दिखेगा, तो इसको भी मार्क कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फ्लो और क्रीप को भी जो है वो डिफाइन किया हुआ है, जिसको हम चैप्टर 2 में भी जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आप ये बातें जो है वो बार बार पढ़ रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास वैक्सेस की होती है वो होती है उसकी टाइप्स की, हमारे पास कितने टाइप्स की जो है वो वैक्सेस यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास दो वैक्सेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने यहाँ पे, एक हमारे पास इनले वैक्सेस और एक हमारे पास मॉडलिंग वैक्स। जो हमारे पास वैक्स की टाइप्स है ना बच्चों, वो हमारे पास कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे नीचे करके लिखी हुई है सारी वैक्स की टाइप्स के। हमारे पास स्टिकी वैक्स कौन सी होती है, कार्डिंग वैक्स कौन सी होती है, बॉक्सिंग वैक्स कौन सी होती है, ये सारी हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों सवाल आता है और यहाँ से जो हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे फाइनल के एनुअल एग्जाम में आता है वो हमारे पास स्टिकी वैक्स आया था, कि हमारे पास जो है वो पूरी एप्लीकेशन लिखी हुई थी वैक्स की और से पूछा हुआ था कि इस एप्लीकेशन के लिए हम कौन सी वैक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो ऑफकोर्स हम उसके लिए स्टिकी वैक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरा जो सिनेरियो लिखा हुआ था कि डेंचर के दो पार्ट्स टेम्परेरी तौर पे जॉइनिंग के लिए अगर हमें कोई वैक्स रिक्वायर्ड है तो हम कौन सी वैक्स यूज़ करेंगे, तो हम स्टिकी वैक्स यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वैक्सेस।